तो महर्षि अगस्त्य परशुराम जी के कहने के बाद गए वहाँ और पहली बार परशुराम जी ने अगस्त्य जी को अग्नि विद्या प्रदान की थी, जो अग्नि विद्या आज भी श्रेष्ठता के साथ कहलाई जाती है। जैसी अग्नि विद्या उनको प्रदान की, परशुराम जी अगस्त महर्षि समुद्र के पास गए, अपने गुरु को स्मरण किया और कहा कि प्रभु इस समुद्र में सगर पुत्र तो समुद्र में छुपे हुए हैं, उनको किस प्रकार निकाल सकता हूँ। तो परशुराम जी कहते हैं मुझे, मैंने तुझे जो अग्नि विद्या दी है उस अग्नि विद्या को आह्वान कर और हाथ में अग्नि विद्या को बुला। उन्होंने अग्नि मंत्र बोलते हुए अग्नि विद्या अग्नि को हाथ में बुलाया और समुद्र में जैसा ही हाथ डाला समुद्र पूरा सूख गया, व्यापार हो गया, पानी पूरा निकल गया। उस उनके हाथ में उतनी अग्नि आई कि समुद्र व्यापार हो गया और समुद्र पूरा सूख गया। और उन सगर पुत्रों को पकड़कर पहले सब लोग कहते हैं कि अगस्त महर्षि ने समुद्र को पी लिया, नहीं, उनको परशुराम जी ने वो अग्नि विद्या दी थी जिसको वो स्पर्श करते थे समुद्र को उन्होंने क्षण में सुखा दिया, उनमें उनके हाथ में उतनी अग्नि थी। जी हाँ, अग्नि विद्या के तात्पर्य थे। जो अगस्त महर्षि की उपासना करते हैं या जो परशुराम की उपासना करते हैं वे अग्नि विद्या के सच्चे साधक हैं। और उसका मंत्र मैंने जैसा कहा उसका मंत्र विशेषता के साथ दिया गया था, उस अग्नि विद्या को उन्होंने दिया था और उसको देते हुए ये कहा था कि हमारे इस देश को श्रेष्ठता के साथ, अगर हम वास्तु की बात करते हैं हमारे शेषु महाराज को कहेंगे तो उन्हें वास्तु कहते हैं। दक्षिण दिशा के बाद जैसे खड्डा नहीं होना चाहिए, उत्तर में ऊंचा नहीं होना चाहिए, हमारे उत्तर में हिमालय ऊंचे में है और बंगाल खातम खड्डे में है, हम भारत में अंदर है, सारे देवता भारत में ही पैदा हुए। फिर अब वास्तु किसका ठीक नहीं, वास्तु तो इनका ही ठीक, तो हम तो वास्तु है ही। तो परशुराम जैसे महर्षि, अगस्त जैसे महर्षि, जहाँ अग्नि विद्या हुई, अग्नि विद्या जिसके पास है वो इस संसार में उसको कोई हरा नहीं सकता। वो विद्या कार्तिक वीर जिनके पास थी, अगस्त महर्षि के पास थी और बहुत से उस अग्नि विद्या का अपने गुरु के साथ अगर जो श्रेष्ठता के साथ लेता है, और जो पुरुष वहाँ कहीं भी बैठा हुआ हो, वो किसी वास्तु या स्मशान में भी बैठा हुआ हो, उसको वो दुख नहीं प्रदान करता और उसके ऊपर कोई नहीं आता। अग्नि विद्या का वाला शिष्य किसी को स्पर्श कर लेता है तो उसके सारे इसको भस्म करने की शक्ति रखता है। यह विद्या महर्षि दुर्वासा के पास जी थी, अगस्त महर्षि के पास थी, वशिष्ठ जी के पास थी। और ये विद्याएँ के जितने भी ज्ञाता थे, आपको पता है कि अरुणाचलेश्वर जो है वो पहले सोने का पहाड़ था, जिसमें आज भी कहते हैं कि वो अग्नि ही अग्नि पर्वत कहलाया जाता है और अग्नि पर्वत में अग्नि की श्रेष्ठता। लेकिन उस अग्नि को केवल वह ऋषि देख सकते थे जो श्रेष्ठता की अग्नि विद्या को जानते थे उस अरुणाचलेश्वर के उस पहाड़ पर। वह विद्या आज लुप्त हो गई, वहाँ के साधक उतने जानने वाले नहीं थे। वो कौन सी अग्नि विद्या थी जिसके पास से अरुणाचलेश्वर वहाँ खड़े हुए और अभी तक कुचाम्बा नाम की पार्वती माता जो उनकी पत्नी शक्ति के रूप में वहाँ है उनको किस तरह पूजा जाता है यह भी बहुत लोगों को नहीं। आज हम कहीं भी जाते हैं तो एक ही लिंग दिखा के रुद्र बोलो और माँ माता दिखो तो श्री सूक्त बोलो या पार्वती, उनकी आराधना किस तरह की जाए, कौन सा मंत्र है, किस तरह उनकी आराधना करना चाहिए। अभी तो कुचाम्बा जो है और जो अरुणाचलेश्वर है उन दोनों में भी अग्नि विद्या है। अग्नि अभित कुचाम्बा जो है वह अरुणाचलेश्वर की शक्ति है, जो अरुणाचलेश्वर की पूजा करते हुए उस माता की शक्ति को जागृत करता है, हम उस अग्नि पर्वत की श्रेष्ठता रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अग्नि पर्वत की प्रदक्षिणा आप एक बार भी कर लो, तुम्हारे कितने भी पूर्व जन्म के इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो इतनी श्रेष्ठता है कि उस अग्नि पर्वत में वो श्रेष्ठता माता की शक्ति की ओर से आई है। और वो प्रदक्षिणा का अर्थ होता है, हम आप आज देखते हैं सूर्य के गोल पृथ्वी अपने आप घूमते हुए घूम रही है, उसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में न सूर्य को आधार है न पृथ्वी को आधार। पृथ्वी किसी के ऊपर खड़े रह के घूम रही है क्या? नहीं ना, वो ब्रह्मांड में घूम रही है। तो वह किस रूप में घूम रही है? सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी घूम रही है, प्रदक्षिणा कर रही है। इसी प्रकार उस अग्नि देवता को, अभित कुचाम्बा माता को और अरुणाचलेश्वर को हम उनका केंद्र मानकर प्रदर्शन करते हैं तो हम उनके आकर्षण में, जैसा गुरुत्वाकर्षण काम करता है पृथ्वी को प्रदर्शन करने के लिए, हम भी उनके आकर्षण में। और उस आकर्षण में करते समय कौन सा मंत्र करना चाहिए जिससे वो अग्नि विद्या और माता अपने को प्रसन्न हो, यह विद्या बहुत कम लोग जानते हैं। इस विद्या को भगवान परशुराम जी ने और महर्षि अगस्त ही स्थापित, अभी अरुणाचलेश्वर को महर्षि अगस्त्य आए थे। जितने भी दक्षिण में महान मंदिर है उनकी सभी की स्थापना महर्षि अगस्त्य द्वारा ही हुई है, ऐसा कहा जाता है। साक्षात शिव के बहुत सारे रूप, माता पार्वती के, दुर्गा के बहुत सारे रूपों को उन्होंने वहाँ स्थापना की है।
मैं वैसे तो बहुत समय लिया हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब था कि ये सारे होते हुए जब अगस्त्य महर्षि ने जब परशुराम जी से कहा कि ये सारी परेशानियों से लोग डूबते चले जा रहे हैं, कि हर एक के घर में कोई ना कोई परेशानी हो, चाहे वो कितना घर का वास्तु अच्छा बांधे, उसके ग्रहों की कितनी भी पूजा करे, उसकी समस्याओं को मिटते ही नहीं, तो प्रभु ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ मुझे दो कि मैं उस घर में स्थापना करने के बाद कम से कम बाहर नहीं घर में आऊँ तो शांति के साथ घर में अपने पितृ पुता और अपने माँ पत्नी उनके साथ सुख के साथ रह सकूँ। तब कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ एक विशिष्ट मंत्र देते हुए करता हूँ। और उन्होंने पहली बार शांता दुर्गा नाम की देवी की स्थापना की और उसका यंत्र स्थापन करते हुए कहा कि यह शांता दुर्गा जहाँ भी रखी जाएगी आप देखते रहना कि इसका यह देवी का यंत्र हो, मंत्र हो या माता को स्थापन किया, उस घर में किसी प्रकार का राग द्वेष या घर में लड़ाई झगड़ा यानी घर में आएगा तो घर में सुख शांति के साथ रहेगा। आज हम देखते हैं कि जहाँ शांता दुर्गा माता है, आप इतना मंदिर देख रहे हैं, हम सब तो कोलाहल हलचल देखते हैं, लेकिन आप स्वयं अनुभव करते हैं कि यहाँ शांता दुर्गा मंदिर में हम कितनी शांतता के साथ बैठे हैं। दूसरे मंदिरों में आप जाकर देखो, इतना कोलाहल, झगड़े, लाइन में जाना है झगड़ा, मंदिर के दर्शन लेना है झगड़ा, पैसा लेना है झगड़ा, चिट्ठी निकालना है झगड़ा चलता है। आपने यहाँ देखा है कि महर्षि परशुराम जी अगस्त्य महर्षि को इस शांता दुर्गा जी का मंत्र और यंत्र दिए थे। मैं कहता हूँ कि जिसने भी उस शांता दुर्गा जी का मंत्र इस शांता दुर्गा जी के सामने केवल पांच माला जप करा और शांता दुर्गा उस यंत्र को अपने घर में स्थापन किया, कहते हैं कि शांता दुर्गा के मूर्ति को चर प्रतिष्ठा है, स्थिर प्रतिष्ठा नहीं है, केवल शांता दुर्गा के यंत्र को 40 दिन अपने पास रखकर उसको समुद्र में उस यंत्र को विसर्जन करें। 40 दिन में पहले 5 दिन 5 माला कर ले और बाद में रोज 11 बार मंत्र बोलें तो उस घर का वास्तु किसी प्रकार का हो या कुछ भी हो उसमें शांति ही प्रदान की जाती है, शांति ही रहती है, ऐसा कहा गया है। मैं आप सभी को यहाँ आए हैं, मार्गदर्शन करना मेरा काम है। परशुराम जी के कृत दुर्गा स्त्रोत्र शांता दुर्गा का स्त्रोत्र है और परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में कितनी भी दुर्दैवता हो, कितनी भी अस्वस्थता हो, समुद्र के पास आज यहाँ के लोमहर्षण नाम के एक ऋषि हुए जो कहते हैं लोमहर्षणी या परशुराम जी की पत्नी या शक्ति थी, उन्होंने उस लोमहर्षण महर्षि के साथ जो स्तोत्र दिया है उस स्तोत्र का पाठ समुद्र के साथ या हम शांता दुर्गा देवी के सामने वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसके बारे में बहुत ही श्रेष्ठता के साथ कहा गया है। कभी मैं अगर आपको आए तो आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आज मैंने समुद्र में जाकर आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, तो मैंने वही स्तोत्र का पाठ किया जो शांति युक्त स्तोत्र कहा गया है, जिसका थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूं कि उसमें उस स्तोत्र में क्या कहा गया है। 18 कहा गया है कि शांता दुर्गा का वो यंत्र जो घर में रखते हैं उसको आयु आरोग्य सुखदम पुत्र पौत्र करम परम धनधान्यादि यशो लक्ष्मीकरम विघ्न विनाशनम लोकापवाद भीतिघ्नम कांति मेधाधिकारकम। जो लोकापवाद अपने ऊपर निंदा आती है, ऐसी निंदाएं वो यंत्र जिसके घर में होता है उसके घर में निंदा लोक अपवाद नहीं होता, शांति होती है, आयुर्ग अपमृत्यु प्रशमनम, अपमृत्यु ने किसी एक्सीडेंट में मर जाना या फांसी ले लेना ऐसी घटनाएं घर में नहीं होती, परमेश्वरीय दायकम ऐश्वर्य प्रदान करने वाला आता है, सुसिद्ध सार सर्वस्वम दुष्टादुष्ट भयापहम, हम किसी को देखने पर डर लगता है हमारे को ऐसे भय अपने को प्राप्त नहीं होता, सर्वदा व्रदम सद्यस्ताप पात्र या व्यहारकम, इसको हम देखते हैं तो आपदा हमारे घर में आती ही नहीं ऐसा कहा गया है, सुसिद्ध सार सर्वस्वम सर्व सिद्धांत संभव, हमारे में सारी सिद्धियां प्राप्त करने का यह जो यंत्र रखा गया है इसको घर में रखने से, शिव प्रीतिकरम श्रेष्ठम विष्णु सायुज्य कारकम, शिव और विष्णु इस यंत्र को घर में रखने के बाद अपने घर में ही रहते हैं ऐसा कहा गया है, सर्व शांतिकरम श्रेष्ठम शीघ्र सिद्धि महापरम, इस यंत्र को जो अपने घर में रखता है और उस शांता दुर्गा का 5 माला मंत्र जप कर उसकी स्थापना करता है, केवल 40 दिन यंत्र को अपने घर में रख के किसी समुद्र में विसर्जन करना है तो उस घर में सुख शांति बनी रहती है ऐसा कहा गया है। प्रभु सद्गुरु जी की कृपा से उस शांति दुर्गा स्तोत्र को मैंने
तैयार किया है और उसके साथ साथ मंत्र भी लिखा है। आप यहाँ हो, आपको इच्छा हो, आपके घर में सुख शांति रहे, तो आप जरूर उस यंत्र की स्थापना अपने आपके घर में करें। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, बहुत आप थक गए हैं, नींद में पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आपको नींद श्रेष्ठ है, आज वचन तो काम नहीं करते आपके सामने, सुनने की क्षमता तो दूर रही बात। आपकी नींद आपको मुबारक हो और आप नींद के साथ अच्छी तरह सुख और शांति के साथ सोएं। आप इतना इतना मेहरबान तो मुझ पर नहीं हो, आप नींद आपकी नींद देखकर मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं कितनी बातें कह रहा हूँ। आपकी नींद देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कम गुरु होकर यहाँ बैठा हूँ, जाकर उनको सोने की बात क्यों नहीं करता। उनको नींद आ रही है, वो लोग जाके सो जाएं, और जो सुने हैं वो लोग ज़रूर मेरी शांति दुर्गा स्तोत्र मंत्र का पाठ करें। वो लोग जो निंदा नंदा आनंद ये सारी निद्रा भी है, तो ये उसके साथ साथ निंदा भी है, उसके साथ साथ और भी कार्य है, ये जो यहाँ बैठकर किए हैं उनको प्रभु आशीर्वाद दे कि उनको निद्रा बहुत अच्छी तरह दे, वे सुख शांति के साथ अपने घर में निद्रा की प्राप्ति करें। और मैंने जो कहा है उसको सुन रहे हैं, और लोगों को भी सुख शांति के साथ वे गुरु को ऐसे ही सुनते रहें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। जिनको चाहिए वो लोग शांति दुर्गा स्तोत्र ले लें, बहुत समय ले लिया हूँ लेकिन फिर भी समय तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर हम बार बार नहीं आते। शांति दुर्गा यंत्र की अपने घर में स्थापना करते हो, पांच माला रखते हो, तो तुम्हारे घर में बहु बेटियों के साथ, माता पिता बच्चों के साथ अब सुख शांति के साथ रहेंगे, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग उस यंत्र को लेने एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, सिद्धाश्रम चालक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। आप शांति दुर्गा यंत्र को लेकर आप करें। कल गुरु जी का जन्मदिवस है, हम यहाँ सुबह 8 बजे आएंगे, और जो भी कार्यक्रम है मैं 12 से 2 बजे तक पूर्ण कर दूंगा। गुरु जी के पूजा अभिषेक आदि के साथ साथ, गुरु जी की विशिष्टता के साथ गुरु जन्मदिवस हम मनाएं। माता शांता दुर्गा हम सब पर कृपा करें, और हम सुख शांति के साथ हमारे घर पहुँच कर अगले जन्मों तक भी सुख शांति के साथ हमारे घर में रहें, यही प्रभु जी से आशीर्वाद मांगता हूँ, और शांता दुर्गा जी से भी यही आशीर्वाद मांगता हूँ। आप सब लोग इसे स्वीकार करें, आशीर्वाद के साथ रहें, भोजन कर लें, विश्राम करें। मैं सुबह 8 बजे आऊँगा, कल गुरु जन्मदिवस आप सब लोग मिलकर मनाएंगे। जिनको चाहिए वो लोग शांता दुर्गा स्तोत्र और कवच का पाठ करें, पांच माला जप कर लें, और उस यंत्र को 40 दिन के लिए अपने घर में स्थापित करें। आशीर्वाद देता हूँ।